सो हेलो फ्रेंड्स, वाचिंग डी वन गेमिंग। तो कैसे आप सब लोग, और मैं वापस आ चुका एक और नए वीडियो के साथ। तो आज मैं खेल रहा हूँ हिल बिली। तो रिसेंटली मैं हिल बिली को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे ये बंदा बहुत बढ़िया लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। और मैं इसमें कॉमनली ये वाला बिल्ड यूज़ कर रहा हूँ और ये चेंसो डाउन। इसका चेंसो डाउन बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। मैं 200 सेंसिटिव में अभी इसको सीख रहा हूँ, इसे देख सकते हो। मतलब पहले तो अटकता था, अब और भी ज़्यादा अटक रहा हूँ चीज़ों में। बहुत हार्ड है 200 सेंसिटिविटी को हैंडल करना, बहुत प्रॉब्लम होता है टू बी ऑनेस्ट। लटक जा लटक जा कि छूट ना जाए। ओके लटक गया, बहुत बढ़िया। ओके एक्सप्लोजन वहाँ पर हो रहा है, कौन है यहाँ पर? ओके यहाँ पर बहुत बढ़िया, एक और चेंसो डाउन। बहुत सेटिस्फाइंग लगता है कर्व करके जब तुम चेंसो डाउन लेते हो, बहुत बढ़िया लगता है। ओके एक और डाउन हो चुका है, लेकिन ये 200 सेंसिटिविटी का ये प्रॉब्लम है। मतलब थोड़ा सा भी स्क्रीन को इधर उधर करोगे ना, करेक्टर पूरा दूसरी तरफ चलना चालू कर देता है। यहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ था, वही तो है, पैलेट पहले ही गिरा दिया है। नहीं हुआ कर्व। अरे फिर से नहीं हुआ, अनुक हो गया। चलो अरे अरे नहीं हुआ, छोड़ो। यहाँ पर कोई है? अटक गया। यहाँ पर कोई है? मैं पॉप लगा सकता हूँ इसमें अभी, नहीं होगा शायद। पॉप नहीं हुआ, पॉप नहीं हुआ। चलो फिर से। चेंसो यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है, लगता है जैसे बाइक सिमुलेटर खेल रहा हूँ। और दाई तरफ कोई था, और ये फिर से टक्कर लग गया। यहाँ पर हीलिंग चल रहा है या ब्लाइंड? शेट, एक्चुअली ऑटो एम ना, जब तुम चेंसो करते हो ना, ऑटो एम जो एम असिस्ट है वो बहुत तगड़ा हो जाता है। रुक, हाँ कैशली को पकड़ पाऊंगा? एशली रुक। हाँ एशली भी डाउन। चलो इसको हुक करने से पहले मैं इधर देखता हूँ, इस वाले जन में कोई ना कोई होगा। हाँ इस वाले जन में कोई ना कोई तो है, ज़रा घूम के आता हूँ पहले, इधर इधर के एरिया को घूम के आता हूँ। अरे नहीं हुआ, कर्व नहीं हुआ, और यही प्रॉब्लम होता है। थोड़ा और कर्व हो जाता ना मज़ा आ जाता है। यहाँ पर कोई? हाँ यहाँ पर कोई है। अरे यार क्या नोटिफिकेशन आता रहता है हमेशा यूट्यूब से। यहाँ पर जरीना को उतारने की कोशिश करेंगे, उतारने का मतलब है मैं हुक में मतलब लटकाने की कोशिश करूँगा। नहीं हुआ, मैं एक्चुअली सोच रहा कि वो वॉल्ट किया है ना, तो मैं वॉल्ट के इधर से कर्व करने की कोशिश करूँ। नहीं भाग गई वो, किधर भागी है? अच्छा उस तरफ भागी है। अभी भी वो दोनों डाउन है, उसको उठा है, बैम्बू में अटक गया मैं कैसे भाई इतने दूर से। यार कौन है? ओके कोई नहीं है। नहीं यहाँ पर हीलिंग चल रहा है क्या इसका? चलो देखते हैं यहाँ पर कौन है। यहाँ पर एशली, एशली को हुक करते हैं। यहाँ पर हुक पास में। ओके एक जन हुआ है, पहला जन हुआ है, कोई बात नहीं। हम लोग के पास 3 हुक स्टेज है। यहाँ पर कोई था? कोई तो था, खैर छोड़ो पहले इसको हुक करते हैं। जितनी जल्दी प्लेयर्स चले जाए, और हिल बिली में ना मतलब ऐसा अगर हो जाए कि किसी बंदे को अनहुक किया है, तुम चेंसो करो, उसी वक्त वो बंदा तुम्हारे सामने आ जाता है, तो शर्माना मत उसको डाउन करने में, क्योंकि हिल बिली BTR किलर है। और इसमें तुम हार्डली 1 से 2 किल, मतलब 0 to 1 किल, BTR मतलब 0 से 1 किल तुम कंफर्म कर सकते हो। अरे भाई ये चेंसो करते वक्त मैं इसे हकलाता क्यों हूँ? उसका अनुक किया है ना, पूरा घूम के जाऊंगा।
इधर होने दो, मुझे वो वाला जन देखना है। कॉर्नर है एशली, इस बार कर पाऊंगा ऑफ उसको। शांत हो जा भाई पूरा। अब उस वाले जन में कोई है? एशली को तो डाउन कर दिया है हमने। रुक जा भाई, यहाँ पर कितने हैं? दो है। खैर तुझे जाने देता हूँ, जा तू यहाँ से जा। मैं फिर से चेंज सॉ करूँगा, दूर के किसी को मारूंगा। किस्मत ही खराब है, अगर किस्मत में ना लिखा हो चेंज सॉ तो करूँगा क्या? और ये कौन है इतना नोटिफिकेशन दे रहा है भाई? इतना शौक है चेंज सॉ होने का? क्या करूंगा, बेइज्जती पे बेइज्जती हो रहा है। धत तरीकी क्या यार, कौन था रे? लो भाई इधर तो मतलब इतनी देर से बढ़िया बढ़िया चेंज हो किया, भग रहा हूं भाई। अगर बूट्स होते ना ये डाउन था, बूट्स होते तो डाउन था। ओहो बहुत बढ़िया कर हुआ था यहाँ पर, बहुत देर से टक्कर खाने के बाद। हिल बिली सीखने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ पर लाइट बोन का बदले बैम्बूजल रखना फ़ायदेमंद था। हाँ ब्लॉक हो गया, अब भाग। अब कहाँ भागेगी, अब कहाँ भागेगी? और ये 200 सेंसिटिविटी हैंडल करने में बहुत प्रेशर है। चलो एक और डाउन मिल गया, चलो तुम्हें लटकाते हैं यहाँ पर। ओके स्कॉर्च कहाँ पर है? उतना दूर, चलो उतने दूर में तुम्हें लटकाएंगे। इस पे लटकाने के बाद हम जाएंगे किसी और को लटकाने। मेरे ये टक्कर खाते खाते ना ये दो जन हो गए आराम से इन लोगों के लिए। यहाँ पर बोलने वाला था, यहाँ पर टक्कर होना ही खाना, खा गया। और हैं इसका कोलिशन अब कैसे इतना बड़ा हो गया? अरे कहाँ जा रहा है इसने? क्या फिर से मुझे लाइट बॉन करने की कोशिश की? हाँ वही होगा, वरना इतनी देर से इसका ऑरा क्यों दिख रहा है? हाँ चल डाउन हो गया। ओ भाई इधर कौन डर रहा है भाई? कोई तो एक बंदा है जो बहुत देर से ना मुझे नोटिफिकेशन दे रहा है चेज लेने का, लेकिन मुझे खुद नहीं दिख रहा कहाँ बड़ा बंदा। एक पेन रेस बाकी है, किसका एक पता नहीं, एक या दो वो भी नहीं पता। चलो ये तो गायब है ना, मुझे लगा पैलेट गिरा है लेकिन वो भी नहीं है। तो नोटिफिकेशन किस चीज़ का है भाई, कौन था क्या पता? चलो इनको तोड़ते हैं। एक डाउन, दूसरा भी डाउन होगा, दूसरा भी डाउन। कौन है रे आप? एशली रुक जा बेटा, रुक रुक एशली रुक, एशली रुक जा। अरे यार अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता अगर तुम हिलबिली के चेंसों के अगेंस्ट क्राउच कर जाओ ना तो कभी कभार बच जाओगे। हाँ ये सही है, बच जाते हो अगर क्राउच कर पाए तो। ठीक ठीक टाइम से अगर क्राउच कर पाए तो बच जाओगे। सही है यार, मैं तुझे चेंसो डाउन ही करूँगा, रुक रुक। एक्चुअली मैं इसको डाउन कर पाया क्योंकि वो वाला विंडो ब्लॉक हो चुका है, इसने 3 बार वॉल्ट कर लिया है ऑलरेडी इन चेस, सो इसीलिए वो ये वाला विंडो ब्लॉक हो चुका है इसके लिए। मुझे नहीं दिखेगा लेकिन इसको इसके लिए ब्लॉक हो चुका है, और इस ब्लॉक ने मुझे बचाया है। अब चलो दूसरे वालों के पास जाते हैं। इधर कौन? अबे यार फिर से नहीं। चलो कौन है? लैग कर रहा है इसलिए ये वाला कर्व नहीं कर पाया। ओके यहाँ पर कौन है देखते हैं। ओके अबे यार लैग चालू हो गया।
लैग चालू हो जाता है भाई जब भी खेलने जाओ गेम। कौन है कौन टारगेट किया? जरीना को डाउन हो गई थली टाइप। ओके कोई बात नहीं, फ्लैश लाइट है क्या तेरे पास? ये बच कैसे गई? ये बच कैसे गई? तो बच कैसे गई यार? रुक वो फिर से बच गई। नहीं वॉल्ट हो चुका था, मैंने फालतू में ट्राई किया। नहीं हुआ। आओ चाटा पड़ गया। अरे वैसे मैं बाकी किलर्स में 170 सेंसिटिव में खेलता हूँ, 170 सेंसिटिव में, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है मुझे। लेकिन यहाँ पर ही इशू हो रहा है विल विल में, क्योंकि 200 सेंसिटिविटी है ना, बहुत हाई होता है। अभी भी इसको मास्टर नहीं किया 200 सेंसिटिविटी में चेस करना। इसका स्कॉर्चुक शायद अभी भी बाकी है, तो लास्ट वाला स्कॉर्चुक भी लेके रखेंगे। चलो फाइनल स्कॉर्चुक वैल्यू भी मिल चुका है, अब जैना को जाकर ढूंढता है। ये मैच इतना लंबा चला मेरे बेवकूफ़ी की वजह से, क्योंकि मैं इतने टक्कर खा रहा हूँ कि उस वक्त में ये लोग जेंस कंप्लीट कर ले रहे हैं। अब ये बंदी है कहाँ पर? भाई जरीना किधर है रे? दिख भी नहीं रही है। कहाँ पर है? नहीं, मुझे लगा जेन कर रही होगी, जेन भी नहीं कर रही। अनूप तो कर, हाँ अनूप हो गया। यहाँ पर कोई है? कौन है? थलीटा, थलीटा डाउन हो चुकी है। अब जाके जरीना को फिर से ढूंढते हैं। जरीना किधर? स्क्रैच मार्क्स नहीं, इधर आसपास नहीं है, दूर जा रही है। अबे यार फिर से टक्कर खा गया। मैं थोड़ा बहुत बेवकूफ़ों की तरह चिंसा कर रहा हूँ। जरीना ये पूरा मैप घुमा के छोड़ेगी क्या मुझे? और वहाँ पर क्राउच क्या कर रही है? मैं अंधा हूँ? नहीं हुआ। ओके सीधा चली गई। नहीं इधर ऊपर भी नहीं है, कहाँ गई फिर से? ओए जरीना किधर है? ओके फिर से फुट स्क्रैच मार्क्स दिख रहे हैं। ओके पीछे थी, पीछे थी, पीछे थी, ऑडियो इंडिकेशन आया था, पीछे कहीं पर थी। हाँ इधर है वो, थैली को उठाना जा रही है। नहीं 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 घूम गई, घूम के जा कहाँ रही है? नहीं इधर भी नहीं है। फिर से और फिर से फुट स्क्रैच मार्क्स आ रहे। भाई कितनी स्टेल्थ प्लेयर है यार ये। ओके मिल गई, फाइनली मिल गई। ओए रुक, ये क्या कोई पर्क यूज कर रही है क्या? मुझे समझ नहीं आया, इसके स्क्रैच मार्क्स बहुत इंकंसिस्टेंट क्या बोले, एक जगह। अरे यार मिस हो गया, एक जगह पर नहीं है, बहुत फैले हुए हैं। लाइट वेट से ऐसा होता है, लेकिन लाइट वेट नहीं है क्योंकि स्क्रैच मार्क्स जल्दी। अरे भाई फ़ोन आ रहा है, रुको इसको डाउन कर, जल्दी से कॉल में बात कर लेना पड़ेगा। रुक जा, चलो मैं कॉल पे बात कर लूँ फिर इसको टांगूँगा। ओके इसके पास अनब्रेकेबल था, मैं कॉल खत्म करके एक्चुअली इसको हुक करने वाला था, लेकिन थलीटा ब्लीड आउट होकर मर गई और ये अनब्रेकेबल से उठ के फिर से भागना चालू कर दी, डाउन हो गया चुपचाप। तो फिर ये भी ख़त्म होने वाली है, तो आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।